नमस्कार, आप देख रहे हैं MCD न्यूज। आज पूरा देश एक ऐसे अद्भुत नज़ारे का गवाह बना तो शायद हमने पहले नहीं देखा था। आज हमारी तीनों सेनाओं ने, जल थल और वायु सेनाओं ने अपने अनोखे अंदाज में कोरोना योद्धाओं को सलामी दी, उन्हें सैल्यूट किया, उन्हें शुक्रिया किया। दरअसल वाकई में अगर कहें तो पूरा देश इस समय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन इस जंग का अंदाज बदला हुआ है। ये जंग अब सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही, इस जंग में अब हमारे सैनिकों का स्वरूप बदल चुका है। आप कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, इसमें हमारी सेनाएं नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे जो नर्स, ये सारे मेडिकल स्टाफ हमारे शहरों में, हमारे कस्बों के हॉस्पिटल में जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। और इसीलिए आज हमारी तीनों सेनाएं आज हेल्थ वर्कर्स को, इन कोरोना योद्धाओं को सलाम करने के लिए आज हम पूरे इलाके में, पूरे देश में नजर आए। अगर देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा नज़ारा अद्भुत था। हमारी वायुसेना ने फूलों की बारिश करके हमारे हॉस्पिटल्स के स्टाफ, डॉक्टर, नर्स को शुक्रिया किया। तमाम जगहों पर देखा गया कि आर्मी के जवान खुद हॉस्पिटल में गए, उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात की, उन्हें शुक्रिया की अदा किया। ये नजारा वाकई हमने पहले कभी नहीं देखा था। और आइए सबसे पहले हम देखते हैं लखनऊ का वो अद्भुत नजारा जिसमें कि किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर वायुसेना के विमानों ने फूलों से बारिश की और हमारे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट किया। आइए पहले देखते हैं वो वीडियो। अभी 1 मई को ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस बात की जानकारी दी थी कि तीनों सेनाएं इस कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करेंगी। और इस समय जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो लखनऊ का है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का ही नज़ारा है, जहां पर वायुसेना के विमान देखिए आसमान से बारिश, फूलों की बारिश कर रहे हैं और नीचे मेडिकल स्टाफ कितने उनको उत्सुकता से देख रहे हैं। ये वाकई अद्भुत नज़ारा है, इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। वाकई में इस समय जो अगर देखें तो डॉक्टर्स जो भूमिका अदा कर रहे हैं उनको इतिहास हमेशा याद करेगा। हमारे देश के लोग, सारे नागरिक उनको हमेशा याद करेंगे, उनको उनके कृतज्ञ रहेंगे। इस तरह इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, ये सेवा अपने देशवासियों की है, मानवता की है। वाकई में पूरा देश उनके लिए कृतज्ञ है। और इसी भावना को आज प्रकट करने के लिए, इसी भावना को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हमारी तीनों सेनाएं कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट कर रही है। और ये लखनऊ का नजारा है जो आप सामने देख रहे हैं, वायुसेना के विमान पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो ये आज पूरा देश आज इस अद्भुत नज़ारे का गवाह बना। आज सुबह से ही लोगों ने देखा कि आकाश में किस तरह से वायुसेना के विमान मार्च पास्ट कर रहे हैं। और वाकई ये रोमांचित करने वाला ये पल थे हमारे लिए, और वाकई हमें ये एहसास कराते किस तरह से हमारे आज के डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं। और वाकई में हम इसके लिए हमारा पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ रहेगा।
जिस तरह से वो अपनी निस्वार्थ भावना से दिन रात इस सेवा करने में लगे हुए हैं और इस लड़ाई में, कोरोना जंग में वाकई देखे तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, ये फ्रंट लाइन योद्धा, इनके बिना ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। और आज इसी भावना को प्रकट करने के लिए आज हमारी तीनों सेनाएं हमारे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट कर रही हैं, उन्हें सलाम कर रही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नजारा अद्भुत था। आज सुबह से ही लोगों ने देखा कि किस तरह से वायुसेना के विमान आकाश में मार्च पास्ट कर रहे थे, फूलों की बारिश कर रहे थे। और तमाम जगहों पर थल सेना की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर सेना के जवान खुद हॉस्पिटल्स पहुंचे, अगर दिल्ली का एम्स पहुंचे, तमाम अगर हॉस्पिटल देखे बड़े शहरों में, सभी राजधानी में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में, जयपुर में, तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में खुद सेना के जवान पहुंचे, उन्होंने कोरोना योद्धाओं से मुलाकात की, उन्हें शुक्रिया किया और आभार व्यक्त किया, इस तरह से उनसे मुलाकात की, उन्हें एहसास दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उनकी सेवाओं को समझ रहा है, उनके प्रति कृतज्ञ है। और हम जानते हैं कि वो किस तरह के अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र ये उनके लिए इस सेवा के लिए कृतज्ञ और इसे हमेशा हमेशा इतिहास में दर्ज किया जाएगा, इसे याद किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद अहम है भारतीय इतिहास में। हमने ऐसे नजारे सिर्फ हमने गणतंत्र दिवस पर देखा था, जब हमारी तीनों सेनाएं बाहर निकलकर आती हैं और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती हैं। आज जो हमने नजारा देखा, हमारी तीनों सेनाएं अपने अनोखे अंदाज में, अपने अनूठे अंदाज में कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट कर रही हैं और उन्हें इस बात का एहसास करा रही कि हमें ये पता है, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए कितने अहम है। वाकई कोरोना के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है। ये नजारा आप देख रहे हैं एम्स पटना का, जहां पर वायुसेना के विमान फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये अद्भुत नजारा है, तमाम कोरोना योद्धाओं को सलूट करने का वायुसेना का अपना अंदाज, पुष्प वर्षा करके, फूलों की बारिश करके वायुसेना उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही है। वाकई में अगर देखें तो इस समय ये पूरा देश एक जंग लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, लेकिन इस बार जो ये जंग है वो सीमाओं पे नहीं लड़ी जा रही है। इस बार अगर कहें तो वाकई में हमारी सेना का जो सेना की वर्दी का रंग बदला हुआ है, ये जो रंग है वह अब सफ़ेद हो गया है। सफ़ेद कोट पहनकर जो जो नर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर देखें तमाम अगर हॉस्पिटल में देखें तो आजकल डॉक्टर्स के सारे डॉक्टर्स की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई, बहुत सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में ही सो जाते हैं। कई तमाम डॉक्टर जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, कई कई दिनों से सिर्फ 2 घंटे की नींद लेते हैं और पूरे 22-22 घंटे वो लगातार मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। वाकई ये आभार व्यक्त करने का समय। आज पूरे देश ने इस बात के लिए अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की और पूरा देश आज अपने कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट कर रहा है, उन्हें सलाम कर रहा है, उन्हें इस बात का एहसास दिला रहा है कि हम आपके कृतज्ञ हैं। आप जिस तरह से दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, इस बात का एहसास इस देश के एक एक नागरिक को है। पूरे 130 करोड़ भारतवासी आज अपने डॉक्टर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये नजारा आप देख रहे हैं अपने एम्स पटना का। आज सुबह से हमारी तीनों सेनाएं, जल थल और वायु सेनाएं, तीनों सेनाएं सुबह से हमारे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट कर रही, उन्हें सलाम कर रही, उन्हें आभार व्यक्त कर रही है। आपको बता दें 1 मई को ही हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस बात की घोषणा की थी कि इस समय हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जो भी सफाईकर्मी, ये सारे लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं, वाकई तारीफ़ काबिल है। और ये जो पूरी जंग कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही है, इसमें इन लोगों का अहम योगदान है और इतिहास ये जरूर इनको याद करेगा, इनके योगदान को, जिस तरह से निस्वार्थ भावना से सुबह से लेकर शाम तक, और ये क्या कहें कि 24-24 घंटे तक ये सारे लोग देश की सेवा में लगे हुए, देश इस भावना को समझता है और उन्हीं इसी भावना को प्रदर्शित करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट कर रहा है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं एम्स पटना का है, इससे पहले हमने आपको लखनऊ का नजारा दिखाया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पूरा नजारा था। अगर देखें तो पूरे देश में आज कोई ऐसा राज्य नहीं, देश के हर कोने में ये नजारा देखा गया, कश्मीर में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, सारे जगहों पर यह नजारा देखा गया, जहां पर हमारे वायुसेना के विमानों ने फूलों से बारिश की और जो थल सेना के जवान थे वो तमाम हॉस्पिटल्स में गए, उन्होंने अपनी सेना की धुन बजाकर, बैंड बजाकर डॉक्टर्स को शुक्रिया कहा और तमाम जगहों पे डॉक्टर्स के साथ ये हमारे सैनिकों ने उनसे मुलाकात की और अपने अंदाज में उनको शुक्रिया कहा, आभार व्यक्त किया और उन्हें एहसास दिलाया कि इस पूरी लड़ाई में पूरा राष्ट्र, पूरा देश उनके साथ है। आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ पर आज जो
आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज पर, यह अद्भुत नजारा। आज पूरा राष्ट्र अपने अपने अंदाज में, अपने तरीके से अपने कोरोना योद्धाओं को सल्यूट कर रहा है, उन्हें आभार व्यक्त कर रहा है। ये अद्भुत नजारा है, ऐतिहासिक है, अनूठा है। आज सुबह से देखा गया आकाश में उड़ते हुए विमान, और देखे तो ये एक तरह का अद्भुत नजारा था। वाकई में इससे पहले हमने नहीं देखा, हमने इस तरह के नजारे जब कोई युद्ध होता है या कोई संकट आता है देश पर, तब ये होता है। और वाकई देखे तो कोरोना के रूप में भारत पर या पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। हमने इससे पहले इतनी बड़ी एक ऐसी समस्या, ऐसी आपदा आ जाएगी, शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। और पूरा राष्ट्र इससे संघर्ष कर रहा है, लोग अपने अपने तरीके से, जो लोग अपने घरों में कैद हैं वो भी अपने तरीके से इस लड़ाई में सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है कि हम सब नागरिकों को बहुत जिम्मेदारी का परिचय देना है, धैर्य दिखाना है, संयम दिखाना है, अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। अगर आपने घरों से बाहर नहीं निकलने तो वो भी आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो कोरोना योद्धा हाथ सड़कों पर निकलकर और हमारे हॉस्पिटल में रहकर जिस तरह से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उन्हें सैल्यूट करने का वक्त है, उन्हें एहसास कराने का वक्त है कि आप अकेले नहीं है। और हम समझते हैं कि आप हमारे लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, कितनी बड़ी आप राष्ट्र सेवा कर रहे हैं इसी, और इस बात को हमारा देश कभी आपको, हमारा पूरा देश इस चीज को समझता है, और पूरा देश, हमारा इतिहास इस आप ये अपने कोरोना योद्धाओं के इस त्याग को, इस समर्पण को हमेशा याद रखेगा। और आइए देखते हैं अब नेवी का, किस नेवी ने किस तरह से हमारी जो जल सेना है उसने किस तरीके से इस कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट किया। ये कल शाम का वीडियो है और नौसेना की तरफ से ये उपलब्ध कराया गया। ये कल शाम का दृश्य है जब ये नौसेना का, ये जो आप पोत देख रहे हैं, किस तरह से पूरी रोशनी करके, आज रात आप देखेंगे तो इसी तरह का नज़ारा आप देखेंगे कि जो जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर नौसेना अपने जहाज़ों को रोशनी करके इस बात का एहसास दिलाएगी, इस भावना को व्यक्त करेगी कि हम कोरोना योद्धाओं के साथ है, हम अपने कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि वो हमारे लिए इस मुश्किल घड़ी में कितना त्याग कर रहे हैं। ये है नौसेना का विमान जो किस तरह से जगमग हो रहा है और इस रोशनी के जरिए कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। तो ये आज का अद्भुत नज़ारा आपने एमसीडी न्यूज़ पर देखा। हमारी तीनों सेनाएं, जल थल वायु सेनाएं, किस तरह से अपने अनूठे अंदाज में कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट कर रही हैं, सलाम कर रही हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं। और वाकई में पूरा राष्ट्र अपने कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करता है। हम उनके कृतज्ञ हैं कि इस मुश्किल घड़ी में किस तरह वो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, और इतिहास उनकी इस सेवा के लिए, उनके निस्वार्थ त्याग के लिए हमेशा उन्हें याद रखेगा। लेकिन ये आपको बताएं कि इस अनूठे अंदाज और इस जो कृतज्ञता का भाव पूरे राष्ट्र ने आज व्यक्त किया, इसके बीच कुछ ऐसे बयान या कुछ ऐसी बातें भी होती जो वाकई दिल को बहुत दुखी करती हैं। कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए कि आखिर डॉक्टर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाने से क्या होगा, ये सेनाओं का इस्तेमाल इसके लिए क्यों किया जा रहा है। इसको लेकर थोड़ी सियासत भी देश में हो रही है, लेकिन हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ इतना बड़ा देश है, इस तरह के कुछ बयान या इस तरह की चीजें आती रहती हैं। लेकिन अगर देखें तो इस पूरी मुश्किल घड़ी में पूरे 123 करोड़ भारतवासी एक हैं, पूरा संयम बना रहे हैं और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई कि जो लोग इस तरह से सवाल उठा रहे थे कि आखिर फूल बरसाने से और क्या होगा, कोरोना योद्धाओं को सलाम करने से क्या फायदा होगा, इसे लेकर आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के प्रति और कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने का समय है और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आइए सुनते हैं संबित पात्रा को।
आज सीताराम येचुरी और कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की आर्मी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और उनकी आलोचना की है। भारत की आर्मी ने आज कोविड-19 के जो वॉरियर्स हैं उनको सल्यूट किया है। किस बात की आलोचना है इसमें क्या गलत है? ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जिन्होंने 62 के युद्ध में भारत के जवानों को खून देने से इनकार कर दिया था। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, कश्मीर में आतंकवादियों को घेरने का विषय हो, हर विषय में भारत की आर्मी को ही कटघरे में खड़ी करती रही है। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके इसी प्रकार के स्टैंड के कारण आज कम्युनिस्ट पार्टी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है और हिंदुस्तान के दिलों में, पूरे विश्व के दिलों में आज वो लुप्त होते जा रही है। इस प्रकार की अवांछित टिप्पणी, वह भी भारत के सशस्त्र बल पर करना, यह बिल्कुल उचित नहीं है। हम घोर निंदा करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी और सीताराम येचुरी जी का इस प्रकार की राजनीति के लिए। आज सीताराम येचुरी और कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की आर्मी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और उनकी आलोचना की है। भारत की आर्मी ने आज कोविड-19 के जो वॉरियर्स हैं उनको सल्यूट किया है। किस बात की आलोचना है इसमें क्या गलत है? ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जिन्होंने 62 के युद्ध में भारत के जवानों को खून देने से इनकार कर दिया था। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, कश्मीर में आतंकवादियों को घेरने का विषय हो, हर विषय में भारत की आर्मी को ही कटघरे में खड़ी करती रही है। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके इसी प्रकार के स्टैंड के कारण आज कम्युनिस्ट पार्टी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है और हिंदुस्तान के दिलों में, पूरे विश्व के दिलों में आज वो लुप्त होते जा रही है। इस प्रकार की अवांछित टिप्पणी, वह भी भारत के सशस्त्र बल पर करना, यह बिल्कुल उचित नहीं है। हम घोर निंदा करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी और सीताराम येचुरी जी का इस प्रकार की राजनीति के लिए। ये अद्भुत नजारा आज पूरे देश में देखा गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से अहमदाबाद तक, तमाम छोटे बड़े शहरों में आज ये अद्भुत नजारा देखा गया, ऐतिहासिक दृश्य देखा गया। और डॉक्टर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने भी इस सम्मान के लिए, इस आभार के लिए हमारी सेनाओं को शुक्रिया कहा। और हमें उम्मीद है कि हमारा पूरा देश, पूरे देशवासी, 130 करोड़ भारतवासी एकजुट होकर कोरोना को हराएंगे और हम इस जंग में विजय जरूर हासिल करेंगे। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आप बने रहिए एमसीडी न्यूज के साथ। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।